In the name of Allah, He is a merciful and beneficent. In last lecture, we see about C++ language. What is C++ and where we use it, and what is the role in our life in softwares or applications or in our daily life? Why we use it? अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा मतलब उन चीज़ों को देखते हैं ताकि कुछ स्टूडेंट्स की वो इश्यूज क्लियर रहें जिन्होंने नहीं देखा, और जो कि हम एक्चुअली मैं फिजिकली क्लास में कहता था, जो कि लोग एब्सेंट थे उनका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा बन जाएगा कि वो क्या चीज़ थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सी लैंग्वेज जो हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हमारे पास एक लैंग्वेज सी है जिसके मॉडिफाइड वर्जन है या अपडेट वर्जन है, और इसको 1972 में बिल लेबॉरेटरीज में बेंस सेट्रोस्टॉफ ने डिस्कवर किया था, बनाया था, ठीक है। और इस ये जो थी सी से मज़ीद मॉडिफाई की गई थी, अपडेट वर्जन है उसका। इसी तरह से पहले हमारे पास जो के लैंग्वेज बी जो के अराउंड अबाउट 1965 एंड दिस जो के इसमें उस चीज़ को थोड़ा सा देखा गया था, और उसके बाद आजकल कहीं भी आपको उसका इतना ख़ास जिक्र नज़र नहीं आता, कहीं आपने देखा नहीं है, कहीं उसका इस्तेमाल नहीं या बोला नहीं जाता कि क्या है किधर है। तो ये चीज़ थी कि हमने देखा था कि C++ क्या है, मैंने आपको बता दिया कि ये एक लैंग्वेज सी का अपडेट और मॉडिफाई वर्जन है, और ये कब डिस्कवर हुआ था, कौन सी लेबॉरेटरी में हुआ था, और क्या कौन से हुआ था, सी से हुआ था और सी कैसे हुआ था, वो भी मैंने आपको इन लास्ट लेक्चर बता दिया। और फिर मैंने आपको ये भी रिपीट किया था कि ये तकरीबन कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि मैकिंटोश वगैरह में जी ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह में हैं, और इसी तरह मैंने आपको बताया था मैक वालों में, और इसी तरह हमारे पास जो विंडोज़ हैं जो कि हमारे पास ग्राफिकल किसी भी चीज़ के इंटरफेस बनाए जाते हैं, तो उनमें ये तमाम चीज़ें हमने इस्तेमाल की हुई थी। तो इसी तरह हम अभी देखेंगे कि आज जो हमारा आज का जो हमारा लेक्चर है कि आज हमने किस चीज़ में, अच्छा जी, आज हमारे पास जो है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस आया। जैसे कि मैंने आपको बताया था इन लास्ट क्लास के हमारे सी का इंट्रोडक्शन, सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि हमारे पास पहले एक लैंग्वेज सी थी जिसको मजीद मॉडिफाई करके उसका न्यू वर्जन जो है उसको हम सी प्लस प्लस कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो के देखेंगे कि डिफरेंस क्या है दोनों लैंग्वेजेस के दरमियान, जिसमें हमारे पास सी है, सी हमारे पास भी सपोर्ट फ्रॉम द प्रोग्रामिंग फंक्शन प्रोग्रामिंग, मतलब वो हमें सपोर्ट करती है, फंक्शन प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, और सी प्लस प्लस जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, सी प्लस प्लस सपोर्ट ऊप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम कहते हैं ऊप्स, ठीक है, शॉर्टकट जो हम उसका वो प्रोनाउंस करते हैं उसको हम ऊप्स कहते हैं। इसी तरह देखा जाए सी इज़ अ मिडल लेवल लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी इन चीज़ों की बात हो चुकी है कि हमारे पास एक मिडल लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज है। मिडल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, मिडल लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कि ईजीली आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जिसमें हमारे पास असम्बली लैंग्वेज आती है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर भी पढ़ाते हुए कुछ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई थिंक उनमें मैंने कुछ चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि इसमें हमारे पास कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है और इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है। तो इसी तरह जो कि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें हमारे पास मशीन लेवल लैंग्वेज आती है जो कि हम इजीली अंडरस्टैंड नहीं करते बल्कि मशीन के थ्रू, जैसे कि वो मशीन ही उसको अंडरस्टैंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इन सी लैंग्वेज जो कि हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ का यूज़ करते हैं। प्रिंट एफ हम यूज़ करते हैं आउटपुट के लिए और स्कैन एफ जो कि हम यूज़ करते हैं कोई वैल्यू भी इनपुट करवाने के लिए, कोई भी चीज़ को इनपुट करवाने के लिए। और इन द सी प्लस प्लस जो कि हम सी इन का इस्तेमाल करते हैं और सी आउट का इस्तेमाल करते हैं। सिंपली नाम ही से पता चलते हैं सी इन जो है वो हम इनपुट के लिए यूज़ करते हैं और जो कि हमारे पास आउट सी आउट है वो हम किसी चीज़ की आउटपुट को या किसी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते हैं।
और इसी तरह फोर्थ पॉइंट हमारे पास अगर हम देखा जाए, इन सी यूज कैन नॉट यूज इनहेरिटेंस, जो कि हमारे पास सी यूज में इनहेरिटेंस यूज नहीं होती, और बट इन सी प्लस प्लस यू कैन, सॉरी यूज कैन इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस को आप सी प्लस प्लस में यूज कर सकते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है वो तो सिंपली नाम ही से पता है आपको कि इनहेरिटेंस क्या होता है, साइंस वगैरह में या कहीं भी ये चीज़ पढ़ते आते हैं, मतलब कि कहीं भी पिछली किसी चीज़ का मतलब इनहेरिटेंस, जो कि हम कहते हैं विरासत में जो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज है, पर ये है कि ये तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल स्टेजेस हैं, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर खुद ही होती जाएंगी और इंशाल्लाह साथ साथ होंगी। डायरेक्ट अभी फ़िलहाल इतना ही समझ लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फाइल एक्सटेंशन इन सी। सी जो हमारे पास एक फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। इन नेक्स्ट अगर हम देखें सी प्लस प्लस में जो है ये हमारे पास फाइल एक्सटेंशन इन सी प्लस प्लस स्कोप, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सटेंशन है, मतलब जो कि सी है वो हमारे एक फाइल थे वो किया गया, और आगे अगर मजीद देखा जाए सी प्लस प्लस का वो एक एक्सटेंशन ऑफ सी है, वो सी के एक्सटेंशन किए गए हुए, ठीक है। इन नेक्स्ट अगर हम देखें सिक्स पॉइंट जो कि हमारे पास आता है, सी इज द सबसेट ऑफ द सी प्लस प्लस, जो कि हमारे पास लैंग्वेज सी है वो सबसेट है सी का, मतलब सी प्लस सी प्लस प्लस के जो हैं सबसेट, किसी चीज़ के भी आप जो चलो मैथमेटिक्स को आप सॉल्व करते हैं तो उसमें हम किसी भी सेट के सबसेट बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे। इसी तरह जो कि हमारे पास सी प्लस प्लस है उसके सबसेट है मतलब सी, और अगर सी प्लस प्लस को देखें वो हमारे पास सी प्लस प्लस इज़ द सुपर सेट ऑफ सी, जो कि हमारे पास सी है, सॉरी सी प्लस प्लस है वो सुपर सेट ऑफ सी है, वो हमारे पास सुपर सेट्स हैं सी के, और सी प्लस प्लस जो सॉरी सी जो हमारे पास है वो सबसेट ऑफ सी है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, समझ ना आ रही हो, तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। तो इसी वीडियो के नीचे आप अपना कमेंट दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर उस पर फिर फोकस करूँगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम छोटे से दो प्रोग्राम बनाने जाएंगे, जो कि हमारे पास एक सी का होगा और एक सी प्लस प्लस का होगा। तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, काइंडली इसके लिए थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट होंगे तो तभी ये काम होगा, अगर नहीं होंगे तो देन ये आपके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे लिए भी। तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने उम्मीद दिलाई थी कि सर आप करें, और इंशाल्लाह हम आपका साथ देंगे, तो ज़रूर मैं आपसे इसका एक छोटा सा टेस्ट कलेक्ट करूँगा इंशाल्लाह जल्दी, मे बी के फिज़िकल हो, मे बी के ऑनलाइन ले लूँ, बट टेस्ट होगा। तो चलते हैं जी, आज की टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो कि हमारे पास था डिफरेंस दो लैंग्वेज के दरमियान, जो डिफरेंस था वो सिंपली ये था कि हमारे पास जो सी है वो फंक्शनल फंक्शन प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, और जो हमारे पास सी प्लस प्लस है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है। इसी तरह जो हमारे पास सी है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, और सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज। और मिडिल लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया था असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। और इसी तरह मैंने ये बताया था कि हम सी में जो भी चीज़ को मतलब कौन सी इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए, सी में हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं और प्रिंट कराने के लिए, और स्कैन एफ का इस्तेमाल करते हैं किसी भी वैल्यू को इन कराने के लिए। इसी तरह सी प्लस प्लस में हमारे पास सी इन और सी आउट। सी इन से मुराद किसी चीज़ की एंट्री मतलब इनपुट कराने के लिए, और सी आउट मतलब किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए। इसी तरह बहुत सिंपल है कि सी में हम इनहेरिटेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते और सी प्लस प्लस में कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो है फाइल एक्सटेंशन है सी, और इसी तरह हमारे पास जो सी प्लस प्लस है वो हमारे पास एक फाइल एक्सटेंशन इज सी प्लस मतलब इन सी प्लस प्लस मतलब कि वो सी प्लस प्लस की वो एक्सटेंशन है, ठीक है। इसी तरह सी जो हमारे पास है सबसेट ऑफ सी है, मतलब एक बड़ी लैंग्वेज के सबसेट्स हैं छोटे छोटे, और इसी तरह जो हमारे पास सी प्लस प्लस है वो सुपर सेट ऑफ सी है, ठीक है। तो ये छः पॉइंट्स मैंने आपके लिए बहुत ईजी, और आप अपनी बुक के टॉपिक को भी रिवाइज करें, और ये बुक से भी ज़्यादा मैंने ईजी करके इसको जितना अच्छा हो सकता था, जो कि बुक के अंदर जितना अच्छा अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे, तो मैंने आपके लिए
अच्छा और आसान। और इसी के मैं आपको एक छोटी सी वो भी दे दूंगा जो कि मैंने नोट्स से बनाए हैं, उसके लिए मैं आपको वीडियो में वो विजुअलाइज करा देता हूँ, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना, और फिर भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आपने नीचे कमेंट और दोबारा से इसको अच्छी तरह समझें। और ये कि फिर अगेन बन आपको कि छोटा सा टेस्ट। ओके, आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।